चरमपंथी संगठन बोको हराम ने उत्तरी नाइजीरिया से अपहरण किए गए सभी स्कूली बच्चों को रिहा कर दिया है। उत्तरी नाइजीरिया के कैटसिना राज्य के गवर्नर अमीनू बेल्लो मसारी ने एक टीवी चैनल को दिए अपने बयान में दावा किया कि सभी 344 स्कूली छात्रों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि नाइजीरियाई राष्ट्रपति ऑफिस के एक अधिकारी का कहना है कि स्कूली बच्चों को तो छुड़ा लिया गया है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितनों की रिहाई हुई है। पहले से ही साफ नहीं था कि असल में कितने छात्रों का अपहरण हुआ था। जबकि कैटसिना के गवर्नर का कहना है कि नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेर लिया था और चरमपंथियों को बातचीत के जरिए गोली नहीं चलाने के निर्देश दिए गए थे। गवर्नर ने कहा कि छात्रों को मेडिकल जांच के बाद उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। एक हफ्ते पहले कैटसिना राज्य के कंकारा शहर में चरमपंथियों ने एक गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल के सैकड़ों छात्रों का अपहरण कर लिया था। माना जा रहा था कि स्थानीय हमलावरों ने फिरौती के लिए छात्रों का अपहरण किया, जिन्होंने इलाके में अशांति फैला रखी है। लेकिन बीते मंगलवार को चरमपंथी संगठन बोको हराम ने एक ऑडियो मैसेज जारी कर अपहरण की जिम्मेदारी ली थी। अपहरण के बाद उत्तरी नाइजीरिया में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नाइजीरिया में असुरक्षा और हिंसा बढ़ने का आरोप लगाया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने छात्रों की रिहाई का स्वागत किया और कड़ाई से सुरक्षा मामलों से निपटने का दावा किया। कंकारा स्कूली छात्रों का अपहरण नाइजीरियाई स्कूल से पिछले 6 साल में किया गया तीसरा अपहरण है। इससे पहले साल 2014 में इसी संगठन ने, यानी कि बोको हराम ने, दक्षिण राज्य बोर्नो के चिटबुक से 250 से ज्यादा स्कूली लड़कियों का अपहरण कर लिया था। इनमें कई लड़कियों का अभी तक कुछ पता नहीं है, जबकि कई को छुड़ा लिया गया। वहीं साल 2018 में उत्तर पूर्व राज्य से करीब 100 लड़कियां अपहरण कर ली गई थी, जिनमें कई कुछ दिनों में वापस लौट आई थी। नाइजीरिया के कई राज्य लंबे समय से अशांति का शिकार है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि नाइजीरिया दुनिया में तीसरा सबसे गरीब देश है। इनके अलावा अशांति की एक अन्य वजह ये है कि यहाँ लंबे समय से जिहादी और चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआत में ही उत्तर पश्चिम में सक्रिय आपराधिक समूह करीब 1100 लोगों की जान ले चुके हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में बोको हराम और दक्षिण अफ्रीकी प्रांत में पिछले 10 सालों से सक्रिय इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने अशांति फैलाई हुई है। इस वजह से करीब 20 लाख लोगों को अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा और करीब 30,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। सैकड़ों छात्रों का अपहरण नाइजीरियाई राष्ट्रपति के गृह राज्य में ही हुआ था, जो उस दौरान अपने गृह राज्य के दौरे पर थे। पिछले साल फरवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बोको हराम जैसे संगठनों से कड़ाई से निपटने का वादा किया था। इसके बावजूद इलाके में अशांति है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।